जैसी खतरनाक वायरस से निपटने के लिए एकजुट खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे मौके पर शराब की दुकानें खोले जाने के फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जब मदिरा प्रेमियों ने लॉकडाउन के सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए हैं। हद तो ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर तकरीबन हर राज्य से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले 42 दिनों से ये देश एक जंग लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। शराब की दुकानों में लगी लंबी कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारी भीड़ के बीच कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालात बेकाबू हो चले हैं, कहीं ओले बरस रहे हैं तो कहीं लाठियां पड़ रही हैं। लेकिन सवाल शराब से होने वाली कमाई का है, तो ऐसे में राज्य सरकारें भी कड़े कदम उठाने से बच रही हैं। प्रधानमंत्री जी से आप खोले हो, लेकिन हम गरीब के लिए क्या सोचे? कुछ नहीं सोचे है? हमारे गरीब के लिए कुछ नहीं सोचे, दर दर भटक रहे हैं। आज हमारी दुकानें बंद पड़ी है, हम क्या खाएं क्या कमाएं? बताइए, हमारे लिए कोई साधन खोला है क्या? 5 किलो चावल बांट देने से, 1 किलो दाल बांट देने से 2 महीना चलेगा परिवार के अंदर? हमारे बीच में रहते हुए देखे कि 70 किलो चावल दिए, 2 महीने का चावल दिए, क्या चावल को उबाल के खा सकते हैं क्या? कहीं डंडे पड़े तो कहीं ओले, शराब तेरी लीला अपरंपार है। शराब तो इतनी जरूरी कि पीने वाले और बेचने वाले भी भूल गए सोशल दूरी। कोरोना हो तो उससे निपट लेंगे, लेकिन गले को तरबतर करने के लिए हाथ में शराब की बोतल बेहद जरूरी है। ये लंबी कतारें इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रही हैं कि इस महामारी में शराब की लत हर किसी भी जरूरी चीज पर भारी है। कोरोना के कहर के बीच मदिरा प्रेमियों की ये तस्वीर हर राज्य से सामने आ रही है, चाहे बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हो या किसी अन्य राज्य की। अब जरा मदिरा प्रेमियों का ये तर्क भी सुन लीजिए। बहुत दिनों बाद खुला हुआ है, आज 40 दिन हो गया। मन में खुशी हो रही है कि शराब दुकान खुला है? खुशी क्या है, खुशी थोड़ा बहुत तो है जनाब। तर्क तो अच्छा है, पर कोरोना संकट के बीच आपकी ये लापरवाही हजारों की जान पर बन सकती है। खैर, जब बात सरकार को समझ में नहीं आ रही तो आप क्या समझोगे? इतना जरूर है कि ये समझ पाना मुश्किल है कि अभी कोरोना से जंग ज्यादा जरूरी है या शराब से होने वाली कमाई। स्वराज एक्सप्रेस के लिए वरिष्ठ गौरी की रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं एक बड़ी खबर।